छलका जिस भूमि पर, हरि ने जह द्वार बनाया है। उस शुचि पुण्य गंगा तट पर माँ कुंभ का अवसर आया है। मन की पुकार यही बार बार, चलो हरिद्वार, चलो हरिद्वार। अमृत की जहाँ बहती है धार, चलो हरिद्वार, चलो हरिद्वार। 12 सालों के बाद आने वाले मौके को ऐसे ही गवा देना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेट्स सी अभी न्यूज़ वाले क्या कह रहे हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर और जो भी गाड़ियां इस वक्त राज्य में दाखिल होने की तरफ जा रही है, उन गाड़ियों को रोककर यहां पर पहले उनकी RT-PCR की एक नेगेटिव कोविड रिपोर्ट देखी जा रही है, उसी के बाद लोगों को यहाँ से आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। कोरोना का डर तो है, लेकिन 12 सालों का इंतजार मुझसे तो नहीं होगा, तो चलो चलते हैं। चलो चले घूम चले, चलो चले घूम चले, चलो चले घूम चले, चलो चले घूम चले, चलो जहाँ शंख प्राण तक गूंज उठे। तो अभी हम लोग पहुंचे सिद्धरवाला और यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर और है हरिद्वार, तो अभी पहुंचने वाले हैं। फिर अभी देखते हैं अंदर जाने देते कि नहीं, क्योंकि आज स्नान है और काफ़ी भीड़ होगी वहाँ पर, तो देखते क्या होता है। और पानी का इंतजाम हुआ है देखिए, क्योंकि रास्ते में बहुत गर्म लू चल रही थी, तो थोड़ा पानी के लिए रुके हैं यहाँ पर। तो रियली एक्साइटेड क्या होता है आगे देखते हैं अभी, और चलते हैं फिर यहाँ से आगे। चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले, चलो चले कुंभ चले, चलो चले कुंभ चले। अंजुली में भर कर उस जल को हम अमृत से भर जाएंगे, है धार धार उद्धार लिए हम पल भर। देखिए बड़ी गाड़ी को तो पहले से यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, लेकिन टू व्हीलर का फायदा यही है कि आपको कहीं पे भी रोका नहीं जाता। चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं पार्किंग, अपनी गाड़ी खड़ी कर कर यहाँ पर, और अभी जाना कहाँ, अभी देखते कहाँ जाना है कुछ पता नहीं चल रहा। हर की पड़ी में तो बता रहे थे भी नंबर नहीं आएगा, बहुत भीड़ है, तो चलते किसी और घाट पर। अभी कुंभ चले, वो है मनसा देवी का मंदिर, और इस तरफ है हमारे चंडी देवी का मंदिर। ये अमृत स्नान की बेला है, ये अमृत पान की बेला है, है मोक्ष द्वार भी खुले हुए, शुभ उत्सव है, शुभ मेला है। अर्पण करने सर्वस्व चले, चलो कुंभ चले, बड़े भाग्य से ये पल आता है जब पाप ताप से मुक्ति मिले। धुल धुल जाए हर एक जीवन और आत्मा को एक शक्ति मिले, एक शाश्वत सत्य की ओर चले, चलो कुंभ चले। जहाँ हर तब अजब अखाड़ों के स्नान साधु जन करते हैं, अद्भुत अनुभव की ओर चले, चलो कुंभ चले। तो फाइनली बड़ी मुश्किल के बाद रास्ता पूछते पूछते अभी हम पहुंच गए हैं। ये घाट देखिए सारा खाली है, उस तरफ भी देखिए सारा खाली है, ऊपर भी खाली है, क्योंकि जो हर की पेड़ी है वहां पर जाने दिया नहीं जा रहा है, तो सारी भीड़ वहीं पर है। अभी घाट खाली है, कोई डरने वाली बात नहीं, आप आ सकते हैं। तो अभी यहीं पर हम स्नान करते हैं, चलिए। क्या लेकर आयो रे बंदे, क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर जाएगा, दो दिन की जिंदगी में दो दिन का मेला। स्नान तो हमने कर लिया है,
लेकिन हमको आज हर की पौड़ी में गंगा आरती भी जरूर देखनी है। कर जाएगा दो दिन की जिंदगी, पहले चला लीजिए बाद में दे देंगे, बाद में आ जाए, मुझे पत्नी कहीं जा रही है, पूजा कर लो। तो ये क्लिप डालने का मकसद ये है कि हमको याद रहे कि हमको इनके 51 रुपए वापस कर रहे हैं जो कि हम बाद में देना भूल गए थे। वो कहां गए बलवान तीन पग धरती तोलनिया, वो कहां गए बलवान तीन पग धरती तोलनिया, जिनकी पड़ती धाक नहीं कोई सामने बोलनिया, निर्भय डोलनिया नर गया वो अकेला, गया वो अकेला दो दिन की जिंदगी में दो दिन का मेला। कितने का भैया? बहुत दिनों बाद दिखाई दिया ये। बचपन भी बड़ा अजीब होता है ना, इन छोटे से खिलौनों में ही सारी खुशियां मिल जाती हैं। वो छोड़ सके ना माया गिनी गिनाई न, वो छोड़ सके ना माया गिनी गिनाई न, गड़कोट है की नीम छोड़ जा चिनी चिनाई न, मेरे तो बनाई रे बंदा यही छोड़ जाएगा, यही छोड़ जाएगा दो दिन की जिंदगी में दो दिन का मेला। तो ये पूरा मार्केट घूम के हम इसलिए आए ताकि कोई रास्ता तो मिले जो हमको लेके जाए हर की पेड़ी की तरफ। तो जहाँ पे हमने स्नान किया था वो था विष्णु घाट, और अभी हम जा रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ क्योंकि आज की गंगा आरती हमने जरूर देखनी है। मुसाफिर रहना दो दिन का, बात चाहे सुरक्षा व्यवस्था की हो या फिर सैनिटाइजेशन की, सारा बंदोबस्त आपको यहाँ पर मिलेगा। चलो करो, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा दो दिन की जिंदगी में दो दिन का मेला। पहली बार कुंभ आके अच्छा लगा? बहुत अच्छा। अगली बार आओगे तो बुड्ढे हो जाओगे, इसलिए अभी आ जाओ। और आप देख ही रहे हो कि सारे घाट कोविड की वजह से कितने खाली हैं, वरना कुंभ मेले में तो आपको पैर रखने की भी जगह ना मिले। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना दो दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना दो दिन का, तू झूठा करे गुमान रे भैरे धनी और जो। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा पर फिर भी आपको बता देता हूँ कि जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत कलश भी निकला था, और अमृत को पाने की जद्दोजहद में उसकी कुछ बूंदे यहाँ हरिद्वार में भी गिरी थी, और कहते हैं वही योग हर 12 साल बाद कुंभ के अवसर पर भी बनता है जब गंगा का पानी अमृत समान बन जाता है। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना दो दिन का, तू झूठा करे गुमान रे भैरे धनी और जोबन का। और पहली बार गंगा आरती देखने वाले हैं तो बहुत एक्साइटमेंट है, और वो भी कुंभ में, तो एक्साइटमेंट डबल ट्रिपल हो चुका है। आज परम का दिन है, संक्रांति कुंभ परब, जो बड़े भाग्य से मिलता है। ये माँ गंगा जी की 21 आरती होने जा रही है। श्री गंगा भैया की। तो लीजिए गंगा आरती बस शुरू ही होने वाली है, और आपसे विनती है कि पूरी आरती देख ही जाइएगा।
दिव्य अनुभव को अपने दिलों में लेकर हम यहाँ से चल तो दिए, लेकिन एक वादा खुद से जरूर किया कि अगले कुंभ में भी हम जरूर आएंगे। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना दो दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना दो दिन का। तू झूठा करे गुमान रे भैरे धनी और जो बन का, मंद बुद्धि आयो जगत में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। दो दिन की जिंदगी में दो दिन का मेला, क्या लेकर आयो रे बंदे क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर जाएगा। दो दिन की जिंदगी में दो दिन का मेला।